अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। मेरठ के थाना दौराला क्षेत्र के टोल प्लाजा पर गन्ने की ट्रॉली ले जाते समय टोल चुकाने पर विवाद हुआ था, जिसके बाद सोनवीर की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। इस घटना को लगभग एक महीने हो चुके हैं, पर अभी भी सोनवीर को इंसाफ नहीं मिला है। परिजनों का कहना है कि पुलिस प्रशासन ने 3 नवयुक्त कर्मियों को आरोपी बताते हुए जेल भेज दिया था। परिजनों का कहना है कि पुलिस प्रशासन ने टोल प्लाजा के 3 नवयुक्त कर्मियों को आरोपी बताते हुए जेल भेज दिया था। बता दें वह 3 नवयुक्त कर्मचारी सोनवीर के गांव के ही रहने वाले थे। इसी मामले को लेकर आज सोनवीर के परिवार वाले भारतीय किसान यूनियन के साथ SSP कार्यालय पहुंचे और वहां धरना प्रदर्शन किया। साथ ही उन्होंने बेगुनाहों की जमानत की मांग की और पुलिस को असली आरोपियों को गिरफ्तार करने को कहा। आइए देखते हैं इस मामले में क्या बता रहे हैं भारत किसान यूनियन के कार्यकर्ता। दान संगठन जिला अध्यक्ष भी हो, ये क्षेत्र हमारा ही है। जो ये दुल्हड़े का किसान की डेथ हुई है टोल पे, वो भी हमारा ही किसान है। उसकी मौत से हम बहुत दुखी हैं, उसमें भी सहयोगी रहे सब तरह से। ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमारा एक गरीब किसान मारा गया टोल पे। ये टोल कर्मियों की गलती है। और सच्चाई ये है कि जिनके नाम FIR थी उनको जेल नहीं भेजा गया, ना वे पकड़े गए, वे आराम के साथ आज भी टोल पे बैठे हुए हैं। और ये 3 बच्चे थे, किसी ने 2 रोज नौकरी किया टोल पे, किसी ने 4 रोज, किसी ने 5 रोज। टोल वालों ने उनको भकाया और सारा केस उनके सिर पर लादते हुए उनको, निर्दोष बच्चों को जेल भेज दिया गया। हमारा ये कहना है सरकार से, अपने जो SP साहब हैं वहाँ टोल पर 24 घंटे CCTV कैमरे रहते हैं, वहाँ की सारी जितनी भी क्रियाएँ प्रतिक्रियाएँ होती हैं वे सारी कैद हैं। यदि हमारे बच्चे दोषी हों तो उन्हें सजा मिले, और यदि बच्चे निर्दोष हैं तो उनको सजा क्यों मिले। ये बहुत बड़ा केस है। मेरा नाम संजय द्रवालिया है, किसान से समाज सेविक हूँ। इसमें 3 तारीख में टोल पर एक दुर्घटना हुई थी, एक किसान बेचारा गुजर गया था। उसके लिए हमें बहुत दुख है कि भाई किसी का बच्चा चला जाए तो पूर्ति नहीं होती। हम ये कहना चाह रहे कि उसकी तो पूर्ति सभी करना चाह रहे हैं कि भाई उसका भला हो, पर जो निर्दोष बच्चे जेल में भेजे प्रशासन ने, जो पुलिस प्रशासन है जो भी कार्रवाई कर रहा है, वो निर्दोष बच्चों को जेल में भेज रहा है। उनका काम क्या है कि दोषियों को अंदर भेजना चाहिए या निर्दोषों को भेजना चाहिए, ये इस काम को नहीं कर पा रहे। प्रशासन बिल्कुल फेल है। इसके लिए हमें आज SSP साहब से मिलना है। हमारे जो ताऊ चाचा है थाने में रोज जा रहे, CO साहब दोनों रोज जा रहे, मिल रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि हमारे बच्चे निर्दोष हैं, तो उनकी कहीं सुनी नहीं जा रही। और जब उनकी सुनी नहीं जा रही तो क्या करें हम आंदोलन पर आ गए। इस बात को यहाँ का प्रशासन समझ लें, प्रशासन नहीं समझेगा इस बात को तो हम आंदोलन करेंगे। होली के बाद करेंगे जो भी करना हमें, या तो ये कार्रवाई कर ले नहीं तो कार्रवाई फिर करेंगे हम। इस खबर में बस इतना ही, तब तक देखते रहिए फर्स्ट IT।